आज भी मैं उनको चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो चुनाव ले लो, वो चाहे लोकसभा के ले लो, चाहे विधानसभा के ले लो, या हमारे महापालिका के ले लो, या सब मिलकर साथ में ले लो, चलो हम तैयार है। खैर मुस्लिम लोग जो भी इस देश को अपना मानते वो भी हमें साथ देते दे रहे, एकजुट होते हैं, एक चांगली एकजुट होते हैं, कारण आपल्याला आपल्या स्वप्नातला देश उभा करायचा आहे, माझ्या स्वप्नातला नाही, सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातला देश, आणि तो काम ते करणं हे तुमचंच काम आहे। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, नहीं मैं पिछले हफ्ते किसके जैन लोगों के समारंभ में गया था, और उन्होंने जो निवेदन करने वाला था वो आपके जैसा था, जोश वाला, और उन्होंने कहा कि उद्धव जी आप खून मांगेंगे तो हम खून भी दे देंगे। मैंने कहा भाई साहब खून देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट दे दो, बाकी काम देख लेंगे, खून लेके करूं क्या मैं सुभाष बाबू नहीं हूं कि आप मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं। लेकिन वो उस वक्त एक अलग माहौल था, आजादी दूर थी, अब तो आजाद हो गए हम, लेकिन आजादी को कायम रखने के लिए हमें साथ आना होगा। जर आपण आता एकत्र आलो नाही तर आपल्या डोळ्या देखत आपणच आपल्या देशामध्ये स्वकीयांकडनं गुलाम पुन्हा बनवले जाऊ, आणि ती गुलामगिरी नको असेल तर आपल्याला एकत्र यावंच लागेल, दुसरा पर्याय नाही, अजिबात नाहीये। आणि म्हणून मला असं वाटतं आप तो सुरुवात हुई है, ये पहिली बैठक है, और दो चार बैठक मैं करने वाला हूं, लेकिन उसके बाद एक बड़ी जनसभा तो हमें करनी ही होगी, ज्याच्यामध्ये सगळे जे एका विचाराचे लोक आहेत, मग त्याच्यात माझी मराठी आहे, तुम्ही आहात, गुजराती असतील, काही मुस्लिम असतील, काही ख्रिश्चन्स आहेत, ख्रिश्चन लोक आहेत, ते सांगतात साहेब अभी हमें बस शिवसेना ही चाहिए, तुम्ही जे काय कोरोना काळात केलं ते एवढं मोठं काम आहे की हमें आपको वापस लाना है, ये उनकी भावना आहे, उनकी भावना आहे। आणि आता त्यांचा जो प्रचार सुरू झालेला आहे तो यही चल रहा है कि कोरोना में जो कुछ अब तक चुनाव लेने की हिम्मत नहीं है उनमें, चुनाव लेने की हिम्मत नहीं है। अगर आज भी मैं उनको चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो चुनाव ले लो, वो चाहे लोकसभा के ले लो, चाहे विधानसभा के ले लो, या हमारे महापालिका के ले लो, या सब मिलकर साथ में ले लो, चलो हम तैयार है हिम्मत तो आ जाओ, मैदान में आते हैं। तो हिम्मत तो नहीं है, और हिम्मत नहीं है और अपने आप को हिंदू का नेता मानते हैं, ऐसे कैसे होगा? हिंदू वही होता है जिसके दिल में एक हिम्मत होती है चुनौती देने की, चुनौती स्वीकार करने की, लड़ाई लड़ने की और लड़ाई जीतने की हिम्मत जिसके दिल में होती है, वही इस देश पर राज करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, हम मिलते रहेंगे, ये अपना शहर है, हम अगर शहर में इकट्ठा रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो कुछ साल पहले मैंने एक शुरुआत की थी, एक अभियान की, आप भूले होंगे शायद, मी मुंबई कर, उसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, गलत फहमियां कर दी गई, और आज भी मुझे मालूम है कि अगर मैं हिंदुओं के साथ बात कर रहा हूं तो बोल देंगे कि मराठी को छोड़कर हिंदी लोगों के साथ गए, नहीं, मराठी तो हमारे अपने हैं ही, आप भी हैं, लेकिन साथ मिलकर हमें देश को बचाना है। हम अगर एक दूसरे के हम अलग अलग ऐसी दीवारें खड़ी कर रहेंगे तो हमारे ऊपर राज करने वाले उसका गलत फायदा ले लेंगे और हम सबको गुलाम बनाएंगे, और हमारे जी हमें जो आजादी मिली है उस आजादी को कायम रखने के लिए हमें एक साथ रहना ही होगा, और हमारी एकता यही हमारी आजादी का एक संरक्षक कवच है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बीच में एक रुकावट आई थी या बीच में कुछ गलत फहमी हुई थी उसको दूर कर हमें हम आज से हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।